लखनऊ से संवाददाता अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट। आज दिनांक 2/1/2021 एक संयुक्त प्रेस वार्ता प्रेस क्लब यूपी में आयोजित की गई, जिसमें किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बीएल वर्मा, जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद व राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमती उर्मिला राजपूत जी ने संबोधित किया। उक्त नेताओं ने अपने संयुक्त संबोधन में कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां हम अति पिछड़े, अति दलित एवं किसानों का वोट लेकर सरकार बनाएं, पर इनके उत्थान के लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया। इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन और भी बदतर होती जा रही है। सर, आज आप प्रेस क्लब में किसान मोर्चा को लेकर जिन जिन नीतियों के साथ में बैठे होंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी ऐसी नीति है जिसके तहत आप कार्य कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, ये नाम बड़ा कॉमन सा आज लग रहा है, हालांकि हम इस संयुक्त किसान मोर्चा के तहत दो पार्टियां बहुत 2 सालों से काम कर रही हैं, किसान पार्टी और जय हिंद समाज पार्टी। अब इस चलते चलते समान विचारधारा की दो पार्टियां और इसमें शामिल हो गई हैं, जिसमें राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और मौलिक अधिकार पार्टी भी है। इसका चारों को पार्टियों को मिला करके हमने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है, और ये किसान मोर्चा खास करके मजदूरों, किसानों और जो समाज का वो तबका जी जो हाशिए पर है, उसके लिए कार्य करने का काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इनको एकजुट किया जाए, और एकजुट करने के बाद ये चारों पार्टियां मिलकर के उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमें चुनाव लड़ना है, 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, और इस विचारधारा के प्रचार प्रसार के बाद हम उत्तर प्रदेश में एक विकल्प देना चाहते हैं, जिससे ताकि एक वैकल्पिक सरकार का गठन हो सके जो आम लोगों की धारणा के अनुसार हो, आम पब्लिक कमजोर वर्गों के अनुसार हो, ऐसा हम करना चाहते हैं। अगर आपका सत्ता में योगदान होगा तो आप क्या क्या वादे पूरे करेंगे, क्या क्या आपका वो है मैनिफेस्टो? देखिए, मैनिफेस्टो तो मैंने आपको पंपलेट में दे दिया है, 21 है, लेकिन उसमें खास करके जो हमारी नीतियों का जो सार है वो ये है कि यहाँ पर जो आर्थिक विषमता है पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तर प्रदेश में, एक आदमी 10 रुपए भी नहीं कमाता और एक आदमी 1,01,000 में कमाता है, ऐसी विषमता के खिलाफ हमारा संयुक्त मोर्चा काम कर रहा है। हम खास करके यही करेंगे कि जो